हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चेस ट्रिक बताऊंगा जो आपके अपोनेंट के पसीने छुड़ा देगी, लेकिन आप इस चेस ट्रिक को तभी खेल पाओगे जब आपको इसके तीनों वेरिएशंस पता होंगे। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चेस ट्रिक को हालोसार ट्रैप भी कहते हैं और आपको ये व्हाइट पीसेस से खेलना है। आपको ये खेलना तब है जब आपके d4 के रिस्पांस में ब्लैक d5 चले, जिसके बाद आपका नेक्स्ट मूव होना चाहिए पॉन टू e4। यहां पर ब्लैक को फ्री में पॉन मिल रहा है तो वो ऑफ कोर्स कैप्चर करेगा उसको। फिर आपको अपने घोड़े से अटैक करना है उसके पॉन को, जिसके बाद वो अपने घोड़े से डिफेंड करेगा उसके पॉन को। नेक्स्ट मूव में आपको ब्लैक को लालच देना है f3 चलते हुए, जिसके बाद वो ज़रूर कैप्चर करेगा आपके पॉन को और आपको रीकैप्चर करना है अपनी रानी से। यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, जो हमारा पॉन है d4 पे, उस पर अटैक हो रहा है। तो आप सोच रहे होगे कि हम फ्री में पॉन क्यों दिए जा रहे हैं यहाँ पे एक के बाद एक। तो यार, इसका सिंपल रीज़न ये है कि ये हमारी चेस ट्रिक का पार्ट है। हम चाहते हैं कि ब्लैक कैप्चर करे हमारे पॉन को, और वो जैसे ही कैप्चर करेगा हमारा पॉन अपनी रानी से, आपको अटैक करना है उसकी रानी को अपने ऊंट से। यहाँ पर ब्लैक को अपनी रानी को बचाना होगा। तो पहला ऑप्शन ये है कि वो पीछे चले जाए, लेकिन पीछे जाना इतना अच्छा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि अगर हमने अपने हाथी को d1 पे चल दिया तो उसकी रानी फंस सी जाएगी। इसीलिए यहाँ पे ब्लैक के लिए बेस्ट ऑप्शन है, और वो ज़्यादातर यही मूव चलता है, जो कि है अपनी रानी को b4 स्क्वायर पे। इससे वो हमारे पॉन पे अटैक भी कर रहा है। यहाँ पे हम अपने पॉन को बचाने के लिए b3 नहीं चल सकते, क्योंकि फिर हमारे घोड़े पे अटैक हो जाएगा। इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इस पोजीशन के अंदर लॉन्ग कैसल करें। अगर आपका अपोनेंट समझदार है तो अगले ही मूव में वो अपने ऊंट को चल देगा g4 स्क्वायर पे। इससे क्या हो रहा है, डबल अटैक आ रहा है। हमारी रानी पे तो अटैक हो ही रहा है, लेकिन अगर हमने अपनी रानी को मूव करा तो हमारा हाथी मर जाएगा। लेकिन अगले ही मूव में हम अपने अपोनेंट को बहुत बड़ा शॉक देंगे। हम अपनी रानी को बचाएंगे ही नहीं, उसकी जगह हम अपने घोड़े को चलेंगे b5 स्क्वायर पे। और यहाँ पर 90% ऑफ अपोनेंट क्या करते हैं, वो देखते हैं यार रानी मर रही है, वो लालची हो जाते हैं और रानी को कैप्चर कर लेते हैं। लेकिन इसी के साथ ब्लैक का गेम खत्म हो चुका है, क्योंकि अगले ही मूव में हम उसका पॉन कैप्चर कर लेंगे हमारे घोड़े से, और ब्लैक के राजा के पास कोई स्क्वायर्स ही नहीं बचे हैं बचने के लिए, क्योंकि हमारा हाथी पूरी की पूरी d5 पे अटैक कर रहा है। और इसी के साथ ब्लैक का चेकमेट हो चुका है। लेट सपोज आपका अपोनेंट समझदार है और उसको दिख गया है कि नेक्स्ट मूव में ही चेकमेट हो रहा है, तो वो अपने राजा के लिए थोड़ी स्पेस क्रिएट करने की कोशिश करेगा और अपने प्यादे को e5 पे चलेगा, जिसके बाद आप अपने घोड़े से उसका पॉन कैप्चर करोगे और उसके राजा के पास एक ही स्क्वायर है जाने के लिए, जो कि है e7, जिसके बाद आपको अपनी रानी से उसके b7 वाले प्यादे को कैप्चर करना है, क्योंकि आप उसके हाथी पे अटैक कर रहे हो। ब्लैक के पास यहाँ पे कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा है, उसको अपनी रानी से आपकी रानी कैप्चर करनी ही पड़ेगी। आप सोच रहे होगे हमने अपनी रानी फ्री में क्यों दे दी यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट मूव में ही आपको अपने ऊंट को चलना है c5 स्क्वायर पे, और इसी के साथ ब्लैक का चेकमेट हो चुका है। लेट सपोज आपका अपोनेंट और भी समझदार है और ना तो आपकी रानी को कैप्चर करता है ना e5 चलता है, उसकी जगह वो अपने घोड़े को बाहर निकाल कर अपने प्यादे को प्रोटेक्ट करता है। सो इस केस में आपको क्या करना है, आपको अपनी रानी से उसका b7 वाला पॉन कैप्चर करना है, क्योंकि आप ब्लैक के हाथी पे अटैक कर रहे हो। ब्लैक के पास यहाँ पे दो ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन ये है कि वो काउंटर अटैक करे और अपने हाथी को चले b8 स्क्वायर पे। अगर वो ऐसा चलता है तो सिंपली आपको उसके हाथी को कैप्चर कर लेना है, और जब वो रीकैप्चर करेगा अपने घोड़े से, तब आप उसका सिंपली चेकमेट कर दोगे अपने घोड़े को c7 पे चलते हुए। लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे जाए तो आप देखोगे कि ब्लैक के पास दूसरा ऑप्शन ये है कि वो अपने हाथी को c8 पे चलते हुए अपने पॉन को प्रोटेक्ट करे। अगर वो ऐसा करता है तो आपको सिंपली उसके घोड़े को कैप्चर कर लेना है अपनी रानी से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे हाथी पर भी अटैक हो रहा है, लेकिन वो कैप्चर नहीं कर सकता हमारे हाथी को, क्योंकि अगर उसने हमारे हाथी को कैप्चर कर लिया तो हम सिंपली उसका चेकमेट कर देंगे उसका हाथी कैप्चर करके।
तो ये था हॉलोसर ट्रैप। अगर आपको चेस ट्रिक पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और ऐसी ही और चेस ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।